अस्सलाम वालेकुम लजीज दस्तखान। मेरे इस चैनल पर सभी प्यारे व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स, आने वाले सभी प्यारे सब्सक्राइबर्स फ्रेंड को तहे दिल से खुश आमदीद। आज मैं आपके साथ बहुत ही ज़बरदस्त फ्रूट केक की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। बहुत ही झटपट बन जाने वाली रेसिपी है, बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, तो आप इसे ज़रूर बनाइएगा, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और जो बच्चे फ्रूट पसंद नहीं करते खाना, तो इस तरह से आप केक बनाकर दे सकते हैं। और बच्चे बहुत ऐसे भी होते हैं जिन्हें फ्रूट टिफ़िन में दिया जाता है, तो स्कूल से टिफ़िन घर पे आ जाता है, बच्चे खाते नहीं हैं, तो इस तरह से फ्रूट केक बना के आप टिफ़िन में दे सकते हैं, बच्चे बहुत पसंद करेंगे। तो यहाँ पर अपने हिसाब से आप फ्रूट ले सकते हैं, जिस तरह का आपको फ्रूट पसंद है उस हिसाब से फ्रूट ले लीजिए। तो यहाँ पर मेरे बच्चे इस तरह का फ्रूट पसंद करते हैं, तो यहाँ पर मैं इस तरह का फ्रूट ले रही हूँ। एक प्लेट में एक पियर्स और एक पीच ले रही हूँ, और साथ में 40 ग्राम ब्लूबेरी, काफ़ी एनर्जी वाला फ्रूट होता है ये, और 40 ग्राम रसबेरी, और ये स्किन के लिए काफ़ी हेल्दी होता है, और 5 स्ट्रॉबेरी लेना है, ज़्यादा नहीं, क्योंकि इन सारे फ्रूट को काटने से बहुत ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए थोड़ा थोड़ा ही लेना है, और 100 ग्राम लाल अंगूर। और जब ये केक बनकर तैयार होगा काफ़ी कलरफुल दिखेगा, बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं। तो इस सारे फ्रूट को मैं धो चुकी हूँ और एक बाउल में रख दी हूँ। कुछ फ्रूट है जिसे कटिंग कर लेना है, जैसे कि पियर्स, पेयर और स्ट्रॉबेरी, इसे कट कर लेना है, और स्ट्रॉबेरी के स्लाइस को इस तरह से सजा देना है साइड साइड में। जब ये केक बन जाएगा तो यकीन मानिए देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत दिखेगा, खाने में टेस्टी भी लगेगा। और जो जिस फ्रूट को मैं कट की थी छोटे छोटे टुकड़ों में, इसे इस तरह से ऊपर में रख देना है, सजा कर इस तरह से अच्छे से सजा देना है। और आप अपने हिसाब से फ्रूट ले सकते हैं जैसे मैंने बताया। अब एक तरफ मैं 4 कप पानी गर्म कर ली हूँ, और इसके अंदर 50 ग्राम जेलेटिन ऐड कर रही हूँ, और ये वेज वाला जेलेटिन है, वेज नॉन वेज दो तरह का जेलेटिन मिलता है, तो यहाँ पे मैं वेज वाला जेलेटिन ऐड कर रही हूँ। इस तरह का पैकेट में आता है, देख लीजिए, मैं दिखला भी दे रही हूँ, तो यहाँ पर इस तरह का पैकेट में, और मैं ले रही हूँ 50 ग्राम, अभी मैं डाली हूँ, थोड़ा सा मैं और ऐड करूँगी, तो यहाँ पर मैं थोड़ा और जेलेटिन डाल दे रही हूँ। ये 50 ग्राम पूरा हो गया, अब इसे मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू चलाते रहना है, रुकना नहीं है, और इसके अंदर चीनी भी ऐड कर देना है, तो यहाँ पर मैं 1 कप भरकर चीनी ऐड कर रही हूँ। जितना आपके घर में चीनी पसंद किया जाता है, कम या ज़्यादा, उस हिसाब से आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। चीनी डालने के बाद मीडियम फ्लेम पर कंटिन्यू इसे 5 से 6 मिनट चलाते रहना है। इस तरह का जब कलर आना शुरू हो जाए तब फ्लेम को ऑफ कर देना है, बहुत ज़्यादा पकाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसे थोड़ा ठंडा कर लेना है, क्योंकि इसे फ्रूट के ऊपर ऐड करना है, तो थोड़ा सा ठंडा कर लेना है, और ये हल्का सा गुनगुना होना चाहिए, यानी कि हल्का सा गर्म होना चाहिए, ज़्यादा नहीं, तो देख लीजिए हल्का सा ही गर्म है। अब इसके अंदर थोड़ा सा हमें 1/2 टीस्पून के लगभग वनीला एसेंस ऐड करना है, इससे फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है केक में, आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं। अब इसे अच्छे से डालने के बाद मिला लेना है, और इसे फ़ौरन फ्रूट के ऊपर ऐड कर देना है। तो इसे मैं फ्रूट के ऊपर डाल दे रही, हल्का सा गुनगुना है, अभी ये पूरी तरह से ठंडा नहीं हुआ है, इसे पूरी तरह से ठंडा करके नहीं डालना है, क्योंकि ये जमेगा। तो यहाँ पर मैं इसे देख लीजिए इस तरह से ऐड कर दे रही हूँ, और देख लीजिए कितना, जैसे जैसे ठंडा होगा ठीक होना शुरू हो जाएगा, और इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए रख देना है, अच्छे से ये जम जाता है। अगर आपको ज़्यादा ठंडा पसंद है तो आप इसे ओवरनाइट फ्रिज में रख सकते हैं, तो मैं इसे 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख देती हूँ। तो 4 घंटा हो चुका है और बहुत अच्छे से ये सेट हो चुका है, देख लीजिए, मैं टच करके भी दिखा दे रही हूँ, अच्छे से ये जम चुका है। अब मैं इसे प्लेट में निकाल लेती हूँ। तो सबसे पहले करना क्या है, चाकू से इस तरह से साइड को ढीला करना है, बहुत आसानी से हो जाता है, और अच्छे से जब ये लूज़ हो जाए तो बस इसे प्लेट में पलट देना है। तो आप इस रेसिपी को ट्राई कर सकते हैं, और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि आपकी रेसिपी कैसी बनी थी, बच्चे पसंद किए या नहीं किए ये भी बताइएगा, क्योंकि बच्चे इसे काफ़ी पसंद करते हैं, और मेरे घर में बच्चे काफ़ी इसे पसंद करते हैं। तो इसे देख लीजिए इस तरह से मैंने पलट दिया है, और जैसे मैंने बताया कितना कलरफुल केक बनकर तैयार हुआ, आप देख रहे होंगे, बहुत ही प्यारा दिख रहा है, और इसका लुक देख रहे हैं, देख लीजिए काफ़ी बच्चे पसंद करते हैं। अगर आप बच्चों को इस तरह से टिफ़िन में केक बना कर देते हैं तो वो फ्रूट केक वापस नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो इस तरह से बच्चों को आप दे सकते हैं, देख लीजिए इसका लुक कितना प्यारा दिख रहा है, कितना अच्छे से ये जम चुका है, बहुत ही खूबसूरत दिख रहा है, और खाने में काफ़ी टेस्टी भी है। तो आप इसे रमज़ान के मौके पर ज़रूर ट्राई कीजिए, और मुझे फीडबैक ज़रूर दीजिए कि आपकी ये रेसिपी कैसी बनी। तो बस इसे मैं अब कटिंग कर लेती हूँ, तो जिस तरह से आपको कटिंग करना है आप अपने हिसाब से यहाँ पर कटिंग कर सकते हैं। तो इसे मैं अच्छे से कटिंग कर लूँगी, और बच्चे मेरे घर में इसे काफ़ी पसंद करते हैं, तो इस तरह से देख लीजिए बच्चे भी मेरे अगल बगल खड़े हैं, ये कब कट होगा मैं खाऊँ इस वेट में, तो वो लोग भी साइड में ही हैं, 2-4 बार इसमें टच भी किए थे जो मैं उनका हाथ हटा दी, वरना वीडियो में आ जाता। तो अब मैं इसे कट कर दी हूँ, और इसे मैं दिखला दे रही हूँ, देख लीजिए कितना प्यारा इसका कटिंग हुआ है, और खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है,
और इसे मैं थोड़ा सा मीठा बनाई हूँ, तो एक कप में चीनी डाली थी क्योंकि ये थोड़ा मीठा ही अच्छा लगता है। तो देख लीजिए कितना प्यारा इसका लुक दिख रहा है, खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो आप इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और हाँ बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि मेरी न्यू वीडियो की अपडेट आपको बेल आइकन से मिलेगी। तो मेरे इस रेसिपी को बनाइए, खाइए, खिलाइए, खुश रहिए।